हम सब भली भांति जानते हैं कि नथुराम गोडसे ये एक ऐसा नाम है जो हमसे अपरिचित नहीं है। जी हाँ, महात्मा गांधी जी को जिन्होंने गोली से दाग कर मार डाला वह है नथुराम गोडसे। अंबाला जेल से नथुराम गोडसे अपने माता पिता को एक पत्र लिखते हैं। नथुराम गोडसे अंबाला सेंट्रल जेल, दिनांक 12/11/1949। परम वंदनीय माताजी व पिताजी, अत्यंत विनम्रता से अंतिम प्रणाम। आपके आशीर्वाद विद्युत संदेश यानी टेलीग्राम से मिल गए। आपने आज अपना स्वास्थ्य और वृद्धावस्था की स्थिति में यहाँ तक न आने की मेरी विनती मान ली, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। आपके छाया चित्र मेरे पास है, उनका पूजन करके ही मैं ब्रह्मलीन हो जाऊंगा। लौकिक व्यवहार के कारण आपको तो इस घटना से परम दुख होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन मैं ये पत्र किसी दुख के आवेग से या दुख की चर्चा के कारण नहीं लिख रहा हूं। आप गीता के पाठक हैं, आपने पुराणों का भी अध्ययन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया है और उसी भगवान ने राजसूर्य यज्ञ पर, युद्ध भूमि पर नहीं, शिशुपाल जैसे एक आर्य राजा का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया है। कौन कह सकता है कि श्री कृष्ण ने पाप किया? श्री कृष्ण ने युद्ध में और दूसरी तरफ से भी उन अनेक अहंकारी और प्रतिष्ठित लोगों की हत्या विश्व के कल्याण हेतु की है और गीता के उपदेश में अर्जुन को अपने बंधु बांधुओं की हत्या करने के लिए बार बार कहकर अंत में युद्ध के लिए प्रेरित किया है। पाप और पुण्य मनुष्य की कृति में नहीं, मनुष्य के मन में होता है। दुष्टों को दान देना पुण्य नहीं समझा जाता है, वह अधर्म है। एक सीता देवी के कारण रामायण की कथा बन गई, एक द्रौपदी के कारण महाभारत के इतिहास का निर्माण हुआ। सहस्र विधि स्त्रियों का शील भ्रष्ट हो रहा था और करने वाले राक्षसों की हर तरह से सहायता करने के यत्न कर रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने प्राणों के भय से या जन निंदा के डर से कुछ भी नहीं करना, यह मुझे सहन नहीं हुआ। आतताई और अनाचारी लोगों को मिलने वाला सहारा तोड़ना मैंने अपना पवित्र ईश्वरीय कर्तव्य समझा। मेरा मन शुद्ध, मेरी भावना अत्यंत शुद्ध थी। कहने वाले लाख तरह से कहें तो भी मेरे मन एक क्षण के लिए भी अस्वस्थ नहीं हुआ। अगर संसार में कहीं स्वर्ग होगा तो मेरा स्थान उसमें निश्चित है। उसकी प्राप्ति के वास्ते मुझे कोई विशेष प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोक्ष होगा तो मोक्ष निशा मैं करता हूं। दया मांग कर अपने जीवन की भीख मांगना मुझे जरा भी पसंद नहीं था और आज की सरकार को मेरा धन्यवाद कि उसने दया के रूप में मेरा वध नहीं किया। दया की भिक्षा से जिंदा रहना ही मैं असली मृत्यु समझता था। मृत्यु दंड देने वालों में मुझे मारने की शक्ति नहीं, मेरा बलिदान मेरी मातृभूमि अत्यंत प्रेम से स्वीकार करेगी। मृत्यु मेरे सामने नहीं आई, मैं स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा हो गया हूं। मैं उसकी तरफ सहास्य वदन में देख रहा हूं और वह भी मुझे एक मित्र के नाते हस्तांदोलन कर रही है। गीता में तो जीवन और मृत्यु की समस्या का ही विवेचन श्लोक श्लोक में भरा हुआ है। मृत्यु में ज्ञानी मनुष्य को शोक विहल करने की शक्ति नहीं है। मेरे शरीर का नाश होगा परंतु मेरी आत्मा का नहीं। आसिंधु सिंधु भारतवर्ष पूरी तरह से स्वतंत्र कराने का मेरा ध्येय स्वप्न मेरे शरीर की मृत्यु से मरना अशक्य है। अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार ने आपको मुझसे मिलने का अंतिम अवसर नहीं दिया।
सरकार से किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं रखते हुए मुझे यह कहना पड़ेगा कि अपनी सरकार किसी तरह से मानवता के तत्व को अपना रही है। मेरे मित्रगण और जी दत्ता गोविंद गोपाल आपको कभी भी उत्तर नहीं देंगे। आपकी ची अप्पा के साथ और बातचीत हो जाएगी, वह आपको सब वृत्त निवेदन करेगा। जिस देश में लाखों मनुष्य है जिनके नेत्र में मेरे बलिदान के आंसू बहेंगे, वह लोग आपके दुख में सहभागी है। आप स्वयं को ईश्वर की निष्ठा के बल पर अवश्य संभालेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम। आपके चरणों को शास्त्र प्रणाम। आपका विनम्र नथुराम गोडसे, सभा।